नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। पीलीभीत से अनिल कुमार वर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत में 3 बच्चों की मौत से त्योहार की खुशियां मातम में बदली। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 बच्चों की रहस्यमय बुखार, उल्टी, दस्त आने के चलते मौत हो गई। एक साथ हुई 3 बच्चों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा गया। वही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीएमओ ने गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर कैंप लगवाया, जहां मृतकों के परिजनों के अलावा आसपास के लोगों की जांच की गई। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है, थाना बरखेड़ा क्षेत्र के जारकल्लिया गांव के रहने वाले भगवानदास के 5 वर्षीय बेटे अनिल, मनशाराम की 4 वर्षीय बेटी सोनम और रेवती लाल की 5 वर्षीय बेटी सुनैना को 2 दिन पहले रहस्यमय बुखार, उल्टी, दस्त की दिक्कत हुई। मृतकों के परिजनों की माने तो उनका कहना है, एक बच्चे को जिला अस्पताल और 2 बच्चों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर 3 बच्चों को हायर सेंटर को रेफर किया था, लेकिन वहां ले जाने से पहले ही घर पर बच्चों की मृत्यु हो गई। वहीं सीएमओ आलोक कुमार का कहना है, टीम को गांव भेजा गया, जहां कैंप लगाकर मृतकों के परिजनों व आसपास के रहने वालों की जांच की गई है। गांव में मेडिकल टीम को लगाया गया है, जहां से समय समय पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रिपोर्ट कार्यालय से मांगी गई है। कहाँ के निवासी हैं? क्या है पूरा मामला? बुखार को लेकर 3 बच्चों की मौत हुई आपके गांव में? 3 बच्चों का, हमारे बच्चे को तो पलटी है या बुखार था जी। कब आया था? परसों वाले दिन। आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया था? ना, जैसे हम ले गए। अच्छा, किसके यहाँ ले गए थे? सरकारी। हाँ, तो वहाँ क्या बताया डॉक्टर ने? वहाँ कुछ नहीं बताया, उन्होंने दवाई बोतल लगाई जी और इंजेक्शन लगाया, बस और कुछ नहीं किया। ये अस्पताल में बच्चों ने दम तोड़ा था? ना, घर पे। ये चक्कर में 3 बच्चों की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? ये बुखार आया, उसके बाद उल्टी हुई, हम लोगों ने देखा कि ये मतलब क्या समस्या आई, तो अस्पताल ले गए जी। साथ में 24 घंटा इलाज चला, उसमें कुछ फायदा नहीं दिखा, तो बोले कि बरेली रेफर करो जी। तो हमने बोला इसमें चांस बहुत कम है भाई, देख लो आपको एक मरीज है। हमने बोला चाहे घर पर मरीज को लेके भर्ती कर, कटाकर हमने ये पैसे इंतजाम करूँगी घर पे, तो दूसरी जगह लेके जी। कितने साल का बच्चा था? कहाँ? देखिए, सुबह ही हमारे पास सूचना आई थी कि जारकल्लिया एक गांव है जो मरोरी ब्लॉक में आता है, वहाँ 3 बच्चों की मृत्यु की सूचना आई थी, जिसके हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और सारे गांव का हम सर्वे करा रहे हैं, एक एक की जाँच करा रहे हैं और जिनको आवश्यक होगा उसको इलाज भी दिलवा रहे हैं। ये बच्चों को, 3 बच्चे थे, ये एक बेटा था, 2 बेटियां थी और इनको, एक को 25 को, बाकी 2 को 26 से इनकी तबीयत बिगड़ी थी। इन्हें बुखार भी था, उल्टी भी हुई थी, एक बच्चे को झटके भी बताए गए हैं। इनका जहां इलाज हुआ है, एक बच्चा तो जिला अस्पताल ले गया था, फिर वहां से उसे लखनऊ के लिए रेफर किया, तो वो लखनऊ नहीं गया, वो घर जाके उसको घर ले गए वो, और फिर उसकी अगले दिन मृत्यु हो गई। और एक बच्चा, 2 बच्चे जो प्राइवेट में भर्ती हुए थे, उनमें से एक के में वहाँ के डॉक्टरों ने उसको एनकेफलाइटिस के मानते हुए इलाज किया, उसके दौरान उसके इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और एक बच्चे को उन्होंने वायरल हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मानते हुए जॉन्डिस की तरफ, उसकी जो जांचें थी उसमें जॉन्डिस आ रही थी, उसके आधार पर इलाज कर रहे थे, उस दौरान उससे उसकी मृत्यु हुई। उसकी NS1 और मलेरिया डेंगू भी नेगेटिव थी। ये रिपोर्टें उसके पास हैं जो हमें अस्पताल से प्राप्त करी। क्या लग रहा है? देखिए, इस समय वायरल बीमारियां, आपको पता ही है वायरल सीजन चलता है, ये इस समय वायरल बीमारियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों को 2-3 दिन तो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन पहले से रहा होगा, हल्का फुल्का बुखार चल रहा होगा, इन लोगों ने ढंग से उस चीज़ को उस दृष्टि से नहीं दिया होगा, इलाज प्रॉपरली नहीं कराया होगा, जब स्थिति बिगड़ी होगी तब ये आगे होंगे। तो ऐसे में लापरवाही और समय से इलाज ना मिलना, ये कारण। गांव में टीम काम कर रही है? गांव में टीम हमारी लगी हुई है, आज पूरे दिन सुबह से टीम बैठी हुई है, वहाँ काम कर रही है और कल भी टीम भेजेंगे हम, और सारे जो आवश्यक मेजर्स हैं वो हम वहाँ कर रहे हैं।